हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन फिक्स हैदराबाद। अभी जो है अपने पास मोबाइल है, वीवो का मोबाइल है, नेक्सेस का मॉडल है। तो इसके अंदर देखेंगे जो डेड कंडीशन के अंदर है ये वाला फ़ोन। तो अभी मैं यहाँ पावर की को प्रेस करके बताता हूँ, इसके अंदर कोई भी टाइप ऑफ कुछ भी नहीं है। और डीसी के अंदर लगाएंगे जैसा, डीसी को लगा के चेक करेंगे इसके अंदर स्विचिंग क्या आ रहा, कितना स्विचिंग ले रहा। जैसा मैं डीसी को यहाँ कनेक्ट कर दिया इधर से, और तो ये ऑटोमेटिक कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा, मतलब इसके अंदर कोई प्राइमरी में तो कोई लीकेज है नहीं। जैसा मैं पावर की को यहाँ प्रेस कर दिया तो बहुत हल्का सा स्विचिंग हो रहा है, 0.12 का जो है स्विचिंग हो रहा है। ये जैसा पावर की कुछ प्रेस कर दिए तो 0.12 जा रहा, जैसा छोड़ दिए ये तुरंत डाउन हो रहा। तो ऐसा कंडीशन के अंदर क्या चीज़ के अंदर काम करना है या क्या चेक करना है, ये सारा चीज़ जो है आपको क्लास के अंदर बताया जाते हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ इसके अंदर जो है, जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है इसका सेकेंडरी लाइन के अंदर कोई ना कोई सेक्शन के अंदर शॉर्टिंग में है। तो पहले चेक करेंगे जो सभी चीज़ बैटरी कनेक्टर पे पहले चेक कर लेंगे। हालांकि इसका तो सिमेट्रिक डायग्राम है नहीं, अभी यहाँ मीटर के अंदर जो है फर्स्ट ये चेक करेंगे, बैटरी कनेक्टर के ऊपर चेक करेंगे, बैटरी कनेक्टर के अंदर चेक करेंगे। ये तो ग्राउंड पॉइंट है, और इधर तरफ चेक करेंगे 375 का रीडिंग यहाँ शो कर रहा है। और यहाँ देखेंगे जो रिवर्स के अंदर ओएल आ रहा है, मतलब वी बैट की लाइन में कोई शॉर्टिंग है ही नहीं। ये तो डीसी के साथ भी अपने को समझ में आ गया। और कभी भी आपको वी बैट की लाइन में शॉर्टिंग होता है तो तुम अगर स्विचिंग करते तो कोई भी टाइप ऑफ स्विचिंग नहीं लेता, ऑटोमेटिकली तुम्हारे को जो है सीधा एम्पियर ले लेता। तो अभी देखेंगे अगर लीकेज कंडीशन है तो, अगर ये प्राइमरी के अंदर लीकेज कंडीशन है या वीपीएच लाइन के अंदर लीकेज कंडीशन है तो आपको ये चीज़ के अंदर लीकेज तो शो करेगा डीसी के अंदर, मगर कोई लीकेज शो नहीं करा। जैसा स्विचिंग करे तो स्विचिंग भी बताया, मतलब इसका सेकेंडरी लाइन के अंदर कोई ना कोई सेक्शन के अंदर शॉर्टिंग है। तो अब यहाँ चेक करेंगे इस आईसी का जो है, मेन पावर आईसी का सेक्शन चेक करता हूँ मैं, इसके अगल बगल में जो भी कैप्स कनेक्टेड है। तो यहाँ पहले जो है इसका जो है सारा लाइन्स को एक एक कैप को जो है टचअप करके यहाँ एक कैप जो है मेरे को शॉर्टिंग के अंदर, सॉरी ये दूसरा टच हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। और यहाँ चेक करेंगे इसके लाइन के अंदर चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई भी टाइप ऑफ शॉर्टिंग नहीं है, एक बार कॉइल्स के अंदर चेक कर लेंगे। यहाँ देखेंगे यहाँ तो जीआर शो कर रहा है, यहाँ भी देखेंगे यहाँ भी जीआर अपने को शो कर रहा है, यहाँ भी जीआर अपने को शो कर रहा है। ये वाला लाइन देखेंगे इसके अंदर, ये इसको डायोड मोड में डाल के चेक करना है। तो यहाँ देखेंगे ये भी लाइन जो है 30 रीडिंग शो कर रहा है, मतलब लाइन जो है वेरी लो के अंदर बता रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ चेक करेंगे इसका जो कनेक्टिविटी चेक करेंगे, इसके साथ कनेक्टेड हुआ इसका कैपों के अंदर चेक करेंगे, 101 का रीडिंग शो कर रहा है। इसके बगल में चेक करेंगे ये तो ग्राउंड होगा, इसके बगल में चेक करेंगे 101 की रीडिंग शो कर रहा है, और इसका वो ये भी 101 का रीडिंग है। इसके बगल में ये चेक करेंगे यह ग्राउंड होगा, इधर 23 का रीडिंग शो कर रहा है, मतलब लो रीडिंग के अंदर शो कर रहा है। यहाँ भी देखेंगे ये भी लो रीडिंग के अंदर है। एक बार मैं प्रोब को रिवर्स करके देखता हूँ तो यहाँ 17 शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखेंगे रिवर्स करके भी देखेंगे 17 शो कर रहा है, ठीक है। और ये वाला लाइन के अंदर देखेंगे, यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ भी देखेंगे 62 का जीआर शो कर रहा है, यहाँ भी देखेंगे 236 का जीआर शो कर रहा है, यहाँ भी देखेंगे अपन तो 427 का जीआर शो कर रहा है। तो ये सारा चीज़ के अंदर तो कहीं ना कहीं शॉर्टिंग तो नहीं दिखा, मगर एक लो रीडिंग का तो अपने को जीआर वैल्यू जो है 30 दिखा, इधर भी 30 दिखा ये वाला पॉइंट के अंदर,
30 का जी आर दिखा। यहाँ का भी कॉइल्स मैं बकलाइन चेक कर लेता हूँ एक बार, यहाँ भी कनेक्टेड है, इसके अंदर 198 रीडिंग है, ओके 133 का रीडिंग है। और यहाँ चेक करेंगे और ये वाला पॉइंट के अंदर यहाँ चेक करेंगे, इसका कैप के ऊपर चेक कर लेता हूँ, 340 का जी आर शो कर रहा है। ये वाला कैप के अंदर चेक करता हूँ और इसके बगल में जो है एक एक कैप से चेक करेंगे, तो मैं इसको डायोड एंड बीप मोड पे करता हूँ। कभी भी बकलाइन चेक कर रहे हैं आप तो जी आर जो है डायोड के अंदर रख लो। अभी मैं शॉर्टिंग के लिए चेक कर रहा हूँ, यहाँ देखेंगे ये वाला एक कैप शॉट मिला अपने को। यहाँ देखेंगे ये वाला कैप जो है अपने को, ये वाला कैप शॉट दिखा रहा है इधर। और इसके नीचे जाएंगे देखेंगे और भी कुछ मिलता क्या अपने को, और यहाँ देखेंगे ये वाला कैप भी अपने को शॉटिंग शो कर रहा है। और ये वाला पॉइंट पे देखेंगे यहाँ तो कोई शॉटिंग नहीं है, और कॉइल पे भी चेक करेंगे, कॉइल पे कोई शॉटिंग है नहीं। और यहाँ चेक करेंगे यहाँ का चार कैप भी, यह जो कैप कनेक्टेड है ये सारा कैप जो है, ये सारा कैप भी अपने को शॉटिंग शो कर रहा है। तो एक बार मैं ये वाला कैप जो है इसका कनेक्टिविटी, ये वाला जो शॉटिंग दिखा रहा है, तो कर सकते हैं आप लोग ऐसा शॉटिंग आप दिख गया। तो अब इसका तो कोई डायग्राम है नहीं, ये कितना वोल्टेज का लाइन है, क्या चीज़ का लाइन है, इसके अंदर कितना वोल्टेज देना है, अपने को प्रॉपर पता नहीं रहता। तो अब देखेंगे ये वाला आईसी को देखेंगे कौन सा आईसी है और दूसरा कौन सा मॉडल के अंदर बैठा हुआ है। तो एक बार इसको देखेंगे, ये वाला आईसी जो है इसका PMI 8998 वाला आईसी है। तो इसको सिमेटिक के अंदर सर्च करेंगे ये वाला आईसी कितने मॉडल्स के अंदर बैठ के वर्क कर रहा है। तो मैं इधर ठीक है स्टार्ट है ये, तो यहाँ ओपन करता हूँ मैं जो इसका मॉडल है, तो इसका वीवो का मॉडल है, इसका भी ओपन करता हूँ। इसका बिट मैप अवेलेबल होगा, स्कीमेटिक तो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, और इसका कनेक्शन लगा दिया इधर। तो जैसा ये कनेक्शन लगा दिए तो यहाँ चेक करेंगे इसके अंदर, ये वाला पॉट के अंदर ये वाला कैप है, इसका कनेक्टिविटी बिट मैप के अंदर चेक कर रहा हूँ मैं। तो आईसी का जो है ये वाला पॉइंट, ये वाला कैप शॉर्ट है, ये तीन कैप और ये लाइन से जो चार कैप कनेक्टेड है, ये चार कैप जो है शॉर्टिंग के अंदर है। तो देखेंगे इसके अंदर बिट मैप के अंदर नंबरिंग देखेंगे क्या नंबर दिया हुआ है, तो आईसी कौन सा एंगल में बैठा हुआ है अपना। तो तीन और चार जो नंबर है इसका ग्राउंड पॉइंट है, तो इसका एक पॉइंट है नंबर वन जो है इधर नोज कट पॉइंट है, तो लाइन तो यहाँ से गिना बिट मैप के अंदर। तो यहाँ देखेंगे इसका 7 और 8 नंबर के ऊपर, 8 नंबर और 21 नंबर और 34 नंबर, ये तीनों अगर ये बिट मैप के अंदर नंबरिंग देखे तो 8 नंबर पे आ रहा है ये। तो अभी इसको यहाँ मैं पोको F1 का मॉडल देख लेता हूँ एक बार, ताकि जो है ये वाला मॉडल जो है पोको F1 में आता और ब्लैक शार्क कुछ मॉडल्स के अंदर आता, तो मैं इसको यहाँ इसका मॉडल को यहाँ डालता हूँ PMI 8998। तो यहाँ डालेंगे PMI 8998, तो यहाँ सर्च करेंगे तो इसके अंदर आ गए अपने को जो बिट मैप्स आ गए MI 8 के अंदर है। और MI 8 का डायग्राम तो अपने को मिलता, पोको F1 है, पोको F1 का भी मिलता अपने को, तो इसके अंदर कोई ना कोई डायग्राम लिफ्ट कर लेंगे, सॉरी कोई ना कोई डायग्राम अपन लिफ्ट कर लेंगे
तो यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ इसका, यहाँ अभी डायग्राम ओपन, सिमेटिक डायग्राम ओपन करेंगे यहाँ। तो MI-8 मॉडल में लेआउट ओपन कर देता हूँ और यहाँ से स्कीमेटिक ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से जैसा लेआउट के अंदर देखेंगे IC कहाँ बैठा हुआ है, ये वाला IC। तो यहाँ देखेंगे इसके अंदर ज़्यादा पावर ये वाला U600 होगा, तो इसको यहाँ से ले सकते हैं, इसको U600 को इधर टचअप कर देंगे। तो जैसा U600 के अंदर नंबर देखेंगे 8 नंबर दिया हुआ है, तो पहले कंफर्मेशन करेंगे बिटमैप सही दिया या नहीं दिया। तो पहले मैं ये चेक करता हूँ पिन नंबर 1 तो NC है या नॉट कनेक्टेड है, पिन नंबर 2 है या 3 और 4 ग्राउंड है। तो डायग्राम के अंदर लेआउट इसके अंदर स्कीमेटिक के अंदर देखता हूँ मैं 3 और 4 पॉइंट ग्राउंड है क्या। अगर ये ग्राउंड है तो ही अपने को ये नंबर्स मैच करेंगे। तो मैं ग्राउंड पॉइंट से मैच कर ले रहा हूँ, तो इसको मैं आगे जा रहा हूँ, 2 नंबर है, 3 और 4 नंबर प्री ग्राउंड, ठीक है 3 नंबर तो ग्राउंड है, मगर 4 नंबर तो यहाँ देखेंगे 4 नंबर भी अपने को ग्राउंड है, ठीक है। मतलब ये वाला डायग्राम इसके साथ नंबरिंग मैच करेगा। तो 8 नंबर वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है ये चेक कर लेंगे, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो इसके अंदर 8 नंबर वाला पॉइंट को देखेंगे, तो ये लाइन है VDD फ्लैश के लिए जा रहा है, ये VREG बॉप का लाइन है, ठीक है। मतलब VREG बॉप जो है तुम्हारे को सेकेंडरी AC को एक्टिवेट करने के लिए जो होता है, इसका भी वोल्टेज आपको अप्रॉक्सीमेटली 1-4 वोल्टेज तक ही रहता है ये। तो ये वाला लाइन को एक बार यहाँ से ये वाला लाइन नेक्स्ट करेंगे इसको, तो अपना यहाँ आ गया। तो इसके बाद देखेंगे इसका जो सेंस है, इसको फिर नेक्स्ट कर रहा हूँ तो फिर नेक्स्ट करेंगे, तो आ गया इधर कनेक्शन जो है 600 U6002 के अंदर आ गया। फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये वाला कनेक्शन फ्लैश के लिए जा रहा है, फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये वाला कनेक्शन कैमरा के लिए जा रहा है, ये वाला कनेक्शन LDO के पास है। बहुत सारा जो है ये ऐसा VPH लाइन टाइप का ही है ये भी, मगर यह VREG बॉप करके यूज़ करता है इसके अंदर। जो ये वाला बनता है तो तुम्हारे को ये वाला वोल्टेज 4 वोल्ट ही बनता है। तो यहाँ चेक करेंगे इसके अंदर, अब यहाँ जो है अपने को पॉइंट पता चला। अगर ये डायग्राम अगर अपने अवेलेबल नहीं है, अपने को सेम मॉडल का डायग्राम अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग कर सकते हैं सिमेट्रिक डायग्राम को प्रॉपरली जो है दूसरा मॉडल से कंपैरिजन करके, या कितना वोल्ट इंजेक्ट कर सकते हैं आप, कितना वोल्ट इंजेक्ट करके इस शॉर्टिंग को हटा सकते हैं। पॉइंट तो मिल गया अपने को, लाइन शॉर्ट है बोल के एक कैप तो मिल गया, मगर इसका प्रॉपरली आपको मिलना है तो आप लोग ऐसे ही टाइप में नाम देख लेके आप कर सकते हैं बहुत ईजी। अभी जो है मैं ये तो लाइन मिनिमम 4 वोल्ट का ही है, तो मैं इधर सिर्फ 2 वोल्ट सेट कर लेता हूँ DC के अंदर, और थोड़ा सा रोजिन हल्का सा जो है मैं यहाँ रोजिन अप्लाई करता हूँ इसके अंदर, इस बोर्ड के अंदर। बोर्ड को मैं एक बार आउट कर लेता हूँ, यहाँ चेक करेंगे इसके अंदर। अभी यहाँ से जो है 2 वोल्ट का सेट कर लिया मैं, तो अभी ऐसे 2 वोल्ट इंजेक्ट करेंगे इसके ऊपर। जैसा मैं यहाँ जो कैप अपना शार्ट था उसी कैप के ऊपर हल्का सा जो है 1 पॉइंट ग्राउंड कर ले रहा हूँ, और यहाँ से मैं यहाँ 2 वोल्ट इंजेक्ट करा। जैसा मैं यहाँ 2 वोल्ट ये वाला वायर के साथ शॉर्टिंग नहीं हटता, जैसा मैं यहाँ
2 वोल्ट यहाँ से इंजेक्ट कर रहा हूँ, जो कैप शॉर्ट था उस कैप का पॉजिटिव लाइन पे अपने को इंजेक्ट करना है, तो यहाँ मैं हल्का सा जो है यहाँ इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हल्का सा जो है नीचे की तरफ ये लाइन शॉर्टिंग हो गया। फिर से एक बार बताता हूँ मेरे को, मैं तुम्हारे को फिर से एक बार बताता हूँ, देख लो आप लोग, फिर से रोजिन मारेंगे तो हल्का सा जो है यहाँ जो कैप शॉट है उसी का पॉजिटिव पे दे रहा हूँ मैं, हल्का सा जो है एक झटका ऐसा दे के छोड़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जैसा दे दिए ये वाला कैप जो है अपना शॉटिंग के अंदर आ गया। तो पहले इसको अपन लिफ्ट करके चेक कर लेंगे ये वाला कैप को। अभी चेक कर लेंगे ये कैप, जैसा हटा दिए तो जैसा ये कैप हटा दिए तो सर्किट के अंदर चेक कर लेंगे, जहाँ अपन दिए ये वाला कैप शॉर्ट था ये अपने को शॉर्टिंग जो है, तो यहाँ बताएंगे इसके अंदर, यहाँ देखेंगे यहाँ शॉर्टिंग, यहाँ देखेंगे इस पॉइंट पे चेक करेंगे जो शॉर्टिंग यहाँ से हट गया अपने को, जी आर की वैल्यू शो कर रहा है इधर, ठीक है। तो ये लाइन के अंदर अपना शॉर्टिंग कर गया, ये भी यहाँ भी अपने कैप शॉर्ट था, ये भी अपने शॉर्टिंग हट गया, मतलब ये सारा लाइन एक भी कनेक्टेड था, ये लाइन जो है ये शॉर्टिंग अभी हट गया है। एक बार कैप को चेक करेंगे, यहाँ कैप का कंडीशन में है, तो एक बार कैप को ये लीकेज के अंदर है या फुल शॉर्ट के अंदर है डायरेक्ट कैप, तो मैं इसको कैप को चेक कर रहा हूँ, पूरा जो है कैप शॉर्ट है, ओके। ठीक है, कैप जो है इसका पूरा शॉर्टिंग हो गया। अभी चेक कर लेंगे अपना सर्किट जो है ऑन होता या नहीं इसके अंदर, तो यहाँ फ़ोन देखेंगे अपना ऑन हो गया। तो आप देख सकते हैं कैसा इसका जो माइनर वर्क ही आपको बहुत सताता है, जो वर्क के अंदर इस चीज़ के लिए जो है लोग सीपीयू उड़ा देते या रैम रिबॉल करते या स्विचिंग नहीं हो रहा पावर एसी बदल के देख लेते। अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो काम ऐसा ही होगा भाई। तो फर्स्ट चेकिंग, प्रॉपर चेकिंग करने का मेथड पता होना, डीसी को यूज़ करके कैसा रिपेयर करना, और जिसका स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है तो एसी का कोड के हिसाब से कैसा दूसरे से कंपैरिजन करके वर्क करना। यहाँ देख सकते हैं सारा फ़ोन तो अपना ऑन हो गया, वर्किंग हो गया, पासवर्ड तो कस्टमर का है मोबाइल, तो सारा फ़ोन तो अपना ऑन हो गया। तो इस टाइप का जो नॉलेज है यहाँ फ़ोन फिक्स हैदराबाद में आपको प्रॉपरली मिलता है। हमारे पास जो है जो थ्योरी का लेवल एंड प्रैक्टिकल का लेवल दो भी आपको इक्वल लेवल मिलता है, और डेली का जो है 6 से 7 घंटा जो है प्रैक्टिकल की टाइम मिलता है आपको, प्रैक्टिकल क्लास और थ्योरी का डेली 3 घंटे का क्लास मिलता है। अभी जो न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 27 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है, आप ज्वाइन करना है, किसी को आना है तो आप आ सकते हैं, किसी को डेमो लेना है तो भी आ सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।